हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन सेल टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी बॉडी मसाज कराती हैं पीरियड टाइम पर तो इससे क्या नुकसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर महीने आती है और बहुत सारी दिक्कतों के साथ में आती है। तो ऐसे में कुछ महिलाएँ होती हैं जो कई तरह के घरेलू उपाय करती हैं, उनमें से होता है एक मसाज कराना। अगर आप बॉडी मसाज कराते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और क्यों होता है ये सारे रीज़न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पीरियड टाइम होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस टाइम पर महिलाओं को बहुत सारे हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण से उनको कई सारी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, जांघों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, निद्रा, ये सब चीज़ें जो होती हैं महिला को तोड़ के रख देती हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि कुछ आराम मिल जाए, इसके लिए वो तरह तरह के उपाय भी अपनाती हैं। कई तरह के ड्रिंक्स जो होते हैं दर्द को कम करने के लिए वो लेती हैं, या फिर आप पेट के निचले से की सिकाई करते हैं, जहाँ दर्द होता है उसकी सिकाई करते हैं, और कुछ लोग मसाज करते हैं ताकि मसाज से जो मसल्स होती हैं उनमें आराम मिलता है और उन्हें रिलैक्स फील होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आपका पीरियड टाइम चल रहा है तो आपको मसाज नहीं करानी चाहिए। इसके रीज़न पर बात करते हैं। अगर आप पीरियड टाइम में मसाज कराती हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है चल रहा होता है, हमारा फ्लो जो है चल रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप मसाज कराती हैं या ऑयल मसाज लेती हैं जो दर्द के राहत के लिए आप लेती हैं, तो ये मसाज आपके पेट के हिस्से में की जाती है या जांघ के हिस्से में की जाती है, जिसके कारण से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है। दूसरा, जिसके कारण से आपका जो फ्लो है वो तेज़ हो सकता है, यानी हैवी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। नेक्स्ट, इससे जो नुकसान होता है वो होता है कि जो पीरियड टाइम होता है वो हमारा महीने भर का जो प्यूरिफिकेशन टाइम होता है, यानी ब्लड जो निकल रहा होता है हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करता है। तो अगर आप इस टाइम में मसाज कराती हैं तो ये प्रभावित होता है, जिसके कारण से जो है जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाते और आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, पीरियड टाइम पर अगर आप ऑयल मसाज कराते हैं तो इससे जो क्या होगा, हमारे डाइजेशन का सिस्टम है वो धीमा हो जाते हैं। जैसे जठर अग्नि कहते हैं, भूख लगती है तेज, उसे जठर अग्नि कहा जाता है, और ये कम हो जाती है, जिसके कारण से आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर आपको कमजोरी देती हैं, थकान देती हैं, और आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि इस टाइम पर आपको ऑयल मसाज नहीं करानी है, बॉडी मसाज नहीं करानी है, क्योंकि ऐसा कराने से आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप सिकाई कर सकते हैं, या फिर जो काढ़े होते हैं, अजवाइन का काढ़ा है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ दवाइयां होती हैं जो पीरियड टाइम के लिए बनी होती हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इनको भी ज़्यादा नहीं लेना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं, और गैस ना बनने दें, डाइजेशन को अच्छा रखें, हॉर्मोन्स को बैलेंस रखें, तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं वो आपको नहीं होंगी और आपका जो पीरियड टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो की छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक।